अगर मैं कहूँ तो भी नहीं। नहीं, कभी नहीं। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए तब भी नहीं। आई बात समझ में? मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे जरूर कोई साजिश होगी। देखते हैं आगे क्या होता। सुजाता जी, अरे सुजाता जी। हाँ प्रभु। इच्छा क्या हो गया? आप ये जमीन पर क्यों सो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है भाई साहब? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सपने में स्वयं शिव जी। अरे लेकिन शिव जी के सपने का आपके जमीन के सोने से क्या लेना देना है? जब से प्रभु मेरे सपने में आए हैं ना, मेरा लक्ष्य सादा जीवन उच्च विचार हो गया है भाई साहब। जमीन पर सोने से विचार उच्च हो जाते हैं? अरे छोड़िए ये सब बातें। देखिए आप जमीन पर सोएंगे तो ठंड लग जाएगी, जिस्म अकड़ जाएगा, और फिर इस उम्र में यह भी जवाब दे जाती है। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या सोच रही हैं आप सुजाता जी? हाँ? जाकर अंदर कमरे में सो जाइए। देखिए जब तक मैं हयात हूँ आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका मुझ पर एक कर्ज है, इसे कम से कम अदा करने का मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। मुझ गरीब पर कैसा कर्ज भाई साहब? मैंने तो खुद ऋण ले लेकर प्रीति को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं भला किसी को क्या कर्ज दे सकता? कर्ज सिर्फ दौलत की शक्ल में नहीं होता सुजाता, भावना और कर्तव्य की शक्ल में। और फिर मेरी बेटी प्रीति को पाल पोस कर जो आपने मुझ पर एहसान किया है, उसके लिए मैं ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये कर्ज दौलत के कर्ज से कहीं बड़ा होगा। प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है कि आप ठीक ही कमरे में जाकर सोचिए। बस यही तो मैं चाहती थी, पर अफसोस में पहले जैसी सच संवर नहीं सकती। नौकरानी बनकर रहना होगा। चलो कोई बात नहीं, इस किचन से तो छुटकारा मिला। अब देख वसुंधरा, मैं तेरे कमरे में आ रही हूँ, और अब तुझे वहां से नहीं निकलवाया ना तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। हरि। हेलो हरि। सुजाता तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे इस प्रश्न का जवाब देने वाली मैं कौन होती हूँ? ये तो सब प्रभु की इच्छा है। इसे ये सवाल कभी दूसरों से नहीं पूछना चाहिए सखी, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। चुप कर पाऊंगी पंडिताई, एक तो नाटक लगा रखा है, ऊपर से हमारे घर में रहके प्रवचन देती चली जा रही है। मैं भला प्रवचन देने वाली कौन होती? मैं तो सब उसकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बंद कर अपना ये पाखंड। और ये बता कि तू तो रात को किचन में सोई थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? सत्य वचन, मैं तो भोजन कक्ष में जमीन पर ही सो गई थी। अचानक मुझे लगा कि कोई बहुत प्यारा सा सपना देख रही हूँ। शिव जी स्वयं मेरे सपने में आए हुए थे। अचानक मेरी आंख खुल गई, सामने बिट्टू भाई साहब खड़े। मैंने उठकर उन्हें भी प्रणाम किया। बिट्टू भाई साहब ने कहा कि मैं यहाँ भोजन कक्ष में क्यों सो रही हूँ, जाकर कमरे में सो। अब भला मैं उनकी बात को कैसे नहीं मानती, तो मैं सीधा उठकर तुम्हारे कमरे की तरफ आई, पर तुमने तो दरवाजा ही नहीं खोला। अरे बिट्टू तो नादान है, भावुक है। बिट्टू जो कह देगा वो तू मान लेगी क्या? कैसे नहीं मानती सखी, शास्त्रों में कहा गया है कि नर नारायण होते। अरे भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमें सही मार्ग का दर्शन देते हैं। मैंने बिट्टू जी की वाणी को भगवान की वाणी माना और निमित्त उनकी आज्ञा का पालन। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। मूर्ख औरत, तुझे दिख नहीं रहा
इतनी बड़ी जोगन बन चुकी हूँ और तू है कि मुझसे अभी भी काम करवा रही है? सत्यानाश। क्या हुआ? अब ये लैंप पोस्ट की तरह अटक क्यों गई? जा चाय लेकर आ। क्या हुआ? काम करने के लिए कह दिया तो बुरा लग गया? नहीं नहीं प्रिय सखी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो तुझे कह चुकी हूं ना, नर ही नारायण है और मनुष्य की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। चल ठीक है अब जा और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर। जो आज्ञा। तुमने चाय लाने को कहा, मैं नाश्ता भी लाती हूँ। बड़ी आई सेवा करने, लेकिन तू नहीं जानती सुजाता, मैं भी तुझे ऐसा रगड़ूंगी कि दो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। MMS करके डरा रही थी, अब देखती हूँ तू क्या करती है। सॉरी शिल्पा, हम आपके मायके में आ गए, हम अभी यहां से चले जाते हैं। बलून बेटा बात तो सुनो। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये आपका घर है, यहां वही होगा जो आप चाहते हैं। मैंने खामखा ही आपसे कोई उम्मीद रखी। बलू, मैंने कहा था ना शिल्पा को हमारा यहां आना अच्छा नहीं लगेगा और वही हुआ। चीजू प्लीज, जिन लोगों को रिश्तों की मर्यादा का पता नहीं होता उन लोगों को रिश्तों को नाम से बुलाने का भी हक नहीं होता। लेकिन जीजू एक बार मेरी बात तो सुनिए। बात सुने? आपकी बहुत सारी बातें हम राजपूत हाउस में ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब और हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। जीजू उस घर में जो भी कुछ हुआ, मैंने कहा ना रहने दीजिए, उन बातों को दोहराने का अब मेरा मन नहीं है और ना ही आगे बढ़ाने का। जीजू कावेरी चलो अपने घर चले। चलो लो बेटा। जो भी किया सबके भले के लिए किया और जीजू तो मुझे अब तक माफ नहीं कर पाए। सबकी नजरों में सिर्फ मैं बुरी बन गई। इजाजत बेटा, अब मैं क्या कहूं? इतने समय के बाद अब हमारे घर आए और 24 घंटे भी नहीं रुके। जी, आए तो हम यहां रुकने के इरादे से ही थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यहां पे किसी को भी कोई परेशानी हो। जी जो प्लीज, अब मेरी वजह से ये घर छोड़ के मत जाइए। नहीं शिल्पा,
आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि राजपूत हाउस में भी आप इसी तरह हाथ जोड़कर रहा करती थी और एक दिन इन्हीं हाथों से हमें बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया था। समझने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इतना ना समझ रही हूं कि कुछ समझ भी ना। तुमने हमें उसी वजह से उस घर से निकलवाया जिस वजह से प्रीति को उस घर से निकलवाया। नहीं जीजू, मुझे लगता था कि प्रीति दीदी की जगह ले रही और बस इसलिए मैं उसके खिलाफ थी। लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ क्यों होंगी? नहीं शिल्पा, तुम प्रीति के खिलाफ इस डर से नहीं थी कि वो तुम्हारी दीदी का हक छीन रही थी, बल्कि तुम उसके खिलाफ इस डर से थी कि उसके वहां रहने से मामा जी की जायदाद के लिए कोई और हकदार पैदा ना हो जाए। नहीं जीजू, ये झूठ है। यही सच है। सच मैं आपको बताती हूँ। अब तुम जो कुछ भी कहोगी वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी होगी। लेकिन जीजू मैं बल्लू, शिल्पा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बेटा तुम कावेरी के खातिर रुक जा। मुझे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल है पापा जी, और इसी वजह से ना ही मैं यहां रुकूंगा ना ही कावेरी को यहां रुकने दूंगा। मुझे प्रीति को भी ढूंढना है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन पता नहीं प्रीति के साल में होगी। अवेरी ये पागलपन छोड़ दो प्लीज। बल्लू, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी। प्रीति मेरी बहन। और मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढूंगी, उसे खोने नहीं दूंगी। कावेरी, फिलहाल मुझे यह बहस यहां नहीं करनी, घर चलकर बात करेंगे। चलो नैना। चलो जी और सुजाता आंटी, इन दोनों की साजिशों की वजह से मैंने दीदी और जीजू की जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरी में घर से निकाला था। तुमने देखा नहीं शिल्पा, बल्लू कितना गुस्से में था। और गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, फिर उसे कितना भी बड़ा सच क्यों ना बताया जाए उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। फिर भी शिल्पा को एक बार अपनी सच्चाई बताने तो देते। शिल्पा उससे कुछ भी कहती पद्मिनी, उसे शिल्पा की हर बात मनगढ़ंत ही लगती। आज जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने कहा ना, शिल्पा को रोकने की बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। मैंने सोचा था कि मैं अकेले में मिलकर बल्लू को समझाऊंगा, उसके बाद मैं शिल्पा को बुलाऊंगा। लेकिन अब तो बात इतनी बढ़ चुकी है कि बल्लू को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा। जो भी कुछ हो रहा सिर्फ मेरी वजह से, सारी गलती मेरी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो बनते भी हैं। अब तो बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि किसी न किसी तरीके से प्रीति मिल जाए, ताकि कावेरी को थोड़ा थोड़ा इत्मीनान मिल सके।
भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? भाई साहब आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं सर। हाँ नहीं, ये देखिए। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी है, एक भाई साहब ऐसे प्रोजेक्ट लेके घूम रहे थे। कहाँ? अभी यहीं कहीं गए। अंकल आप? हाँ बेटा, मैं भी प्रीति की तलाश में निकला हुआ हूँ। अंकल आप चिंता मत कीजिए, अंकल भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कितनी देर बेटा, आप तो इसे तलाश करते करते मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, थक गया हूँ बेटा। आप मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन जब तक प्रीति जी को हम ढूंढ नहीं लेते हैं इस तरह थक कर बैठ नहीं सकते। तुम्हारी बात सही है बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे हमें तलाश नहीं करना है या उसके लिए कोशिश नहीं करना है, बस ये है कि अपनी कोशिश में पूरा नहीं हो पा रहा हूँ बेटा। लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपनी बेटी को ढूंढने, कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रीति को तलाश कर ही दूँ। जी अंकल, और मैं आपके साथ हूँ। पल्लू ऑफिस के लिए निकल जाए तो मैं प्रीति को ढूंढने जा सकती हूँ। नैना साहब का नाश्ता लगा दो। अरे नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। लेकिन आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपना ही ऑफिस है, थोड़ी देर से चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आज भी आपको ऑफिस नहीं जाना। जाना तो है पर मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मैंने ड्राइवर को भेजा है उन्हें लाने के। बताइए ना किसका। लो आ गए, खुद ही देख लो। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे मैं रास्ते से कहाँ आई हूँ, अरे तुमने फोन किया और डेढ़ घंटे में दिल्ली से उड़कर आ गई। मौसी, कावेरी सोच रही है कि मौसी अचानक यहाँ कैसे आ गई। तो कावेरी मैडम आप सरप्राइज मत होइए, मैंने ही मौसी को फोन करके यहाँ अर्जेंटली बुलवाया है ताकि मेरे पीठ पीछे तुम प्रीति को ढूंढने के लिए घर से ना निकल सको।